जी बेटा, चलिए मैं स्टार्ट करते बेटा। हमने पेपर 8 डिस्कस कर रहे हैं, न्यू सिलेबस। आपका जो सिलेबस है ये 2022 है, सीएमए सिलेबस 2022। पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। 100 मार्क्स का ये है। इसमें आपकी वेटेज क्या क्या है, आपका सबसे पहला सेक्शन ये है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग 40% आया। इसका मतलब 40% ऑफ 100 कितना होगा, 40% ऑफ 100, तो आपका 40 मार्क्स में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 5% है। कॉस्ट स्टेटमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपकी क्या है, 15% है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 to 24 ये आपकी 10 है। और ये कॉस्ट बुक कीपिंग आपका कितनी है, 10% है। इसका मतलब 10 नंबर का ये है, 15 नंबर का ये है, 5 नंबर का यह है, टोटल आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ कॉस्टिंग आपका 30 मार्क्स का है, उसमें मेथड ऑफ कॉस्टिंग आपके आ जाएगा 30 मार्क्स का, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में आपके पास यहाँ पे 30 मार्क्स का ये भी है। और ये पूरा डिटेल में जो सिलेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग में क्या है, आपको फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शंस, इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आपकी मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा, एम्प्लॉई कॉस्ट के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, दीज आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे ओवरहेड्स हो जाएगा, ये आपका टोटल कितने मार्क्स का है, ये जो है सेकेंड पार्ट जो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ये 15 नंबर का है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सारे कितने हैं, 15 नंबर का हो गए, ठीक है। अब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 to 24 ये 10 मार्क्स का है। कॉस्ट बुक कीपिंग, रिकॉन्सिलेशन, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, ये आपका अलग सा जो चैप्टर्स है फोर्थ पार्ट वो आपका 10 मार्क्स का दिया हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट बुक कीपिंग आपका 10 मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो 10 मार्क्स का हुआ है। उसके बाद मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आपका जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये आपका 30 मार्क्स का दिया हुआ है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग ये आपकी 30 मार्क्स में दिया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स ये भी आपकी 30 मार्क्स की है। इसमें क्या क्या है टेक्निक्स में, आपको देखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिया हुआ है, बजटरी दिया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक ये 3 चैप्टर आपकी 30 मार्क्स की दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंट्रोडक्शन ये 40 मार्क्स का दिया हुआ है। टेक्निक्स आपका दिया हुआ है कितना, आपका 30 मार्क्स का। और आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग जैसे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये भी आपकी 30 मार्क्स का है। ये आपका न्यू सिलेबस में दिया हुआ है बेटा। और आपका न्यू सिलेबस का क्वेश्चन का पैटर्न भी उसी टाइप का है जो कि आपकी ओल्ड सिलेबस का है। ओल्ड सिलेबस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुक दिखा रहा हूँ, ये आपकी ओल्ड सिलेबस 2016 की है, ये आपका सिलेबस 2016 की है, 2016 सिलेबस, मैं अभी जुलाई 2016 सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपका 2016 की है। तो 2016 में भी आपका यही सारे चैप्टर्स थे जो आपने अभी दिया हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड हो गया, इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट बुक कीपिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, आपको एग्जैक्टली सेम वही दिया हुआ है जो कि आपका 2016 सिलेबस का है। तो पेपर 8 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, और सेम है पेपर 8, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं HL गुप्ता आपको फुली 100% कॉन्फिडेंस के साथ, आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा, स्टडी मटेरियल क्लियर होगा, स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपका जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा वो भी क्लियर होगा, RTP MTP सारी की सारी मैं कराऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।